तो अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले ही राम भक्तों ने अयोध्या की तरफ कूच करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि वहां प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी है। महामंडलेश्वर विकासदास जी महाराज के नेतृत्व में 11,000 राम सेवकों का जत्था कल चंडीगढ़ कालका से अयोध्या रवाना होगा। अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले राम सेवकों का जत्था महामंडलेश्वर विकासदास जी महाराज के नेतृत्व में क्यों अयोध्या जा रहा है, इस बारे में खास बातचीत की संवाददाता अनिल कुमार ने महामंडलेश्वर विकासदास जी महाराज से। अयोध्या मामले में जैसे जैसे फैसले की घड़ी नजदीक आती जा रही है, वैसे ही राम सेवकों ने अयोध्या की तरफ कूच करने की तैयारी कर ली है। इस समय मेरे साथ हैं महामंडलेश्वर श्री विकास दास जी महाराज, इनसे जानते हैं कि उनकी क्या तैयारी है। जी जय श्री राम। हमारी अयोध्या जो फैसला आने वाला है उस मामले में अयोध्या जाने के लिए कालका से और चंडीगढ़ से कम 10-11 हज़ार राम सेवक यहाँ से कल कूच करेंगे अयोध्या के लिए, और हम यही चाहते हैं कि जहाँ रामलला की जन्मभूमि है, जहाँ उनका जन्म हुआ है, वहीं पर उनका मंदिर बने। और सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला करेगा वो हमें पता है कि वो अच्छा फैसला करेगा। आज तक सर्वोच्च न्यायालय में कोई गलत काम नहीं हुआ है, न्याय मिला है। और अब की बार भी जो तारीख रखी गई है उस तारीख पर हमें ये विश्वास है कि जज साहब जो भी फैसला सुनाएंगे वो राम के हक में आएगा, हम भक्तों के हक में आएगा और वहाँ राम मंदिर जरूर बनेगा। विकास जी, जिस तरह अभी आपने कहा है कि आप कल अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे, तो वहाँ तो धारा 144 लगा रखी है, क्या अड़चन नहीं आएगी क्या? जो भी अड़चन आएगी हम उन कानून के नियमों में रहकर, उस धारा के दायरे में रहकर वहाँ पहुँचेंगे और अपना बल दिखाएंगे सरकार को भी और समाज को भी और भगवान श्री राम को भी कि उनके भगत आज भी उनके सेवक उनके साथ खड़े हैं। और हम उस तारीख का इंतजार करेंगे जिस तारीख को ये फैसला आना है। विकास दास जी, जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है अयोध्या मामले को लेकर, अगर मंदिर के हक में फैसला आ जाता है तो अयोध्या मंदिर का कब तक निर्माण हो जाएगा? अगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जल्दी आ जाता है, जिस दिन भी आ गया उसी दिन से हमारा ये कार्य शुरू हो जाएगा। और श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस कार्य को, भवन निर्माण को, राम मंदिर को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जिस दिन फैसला आता है उसी दिन से इसका कार्य शुरू हो जाएगा। हम सब लोग इंतज़ार में बैठे हैं फैसला आए और काम शुरू हो। और योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपने एक संत समाज से भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके कंधों पर सीएम की जो जिम्मेदारी डाली है उत्तर प्रदेश में, वो भी बड़े ही खूबी से वो निभा रहे हैं। सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास वो कर रहे हैं। हर व्यक्ति के साथ, हर एक मजहब के साथ, चाहे कोई सा भी धर्म हो, वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं। और उत्तर प्रदेश को उन्होंने मजबूत कर दिया है, मजबूत भारत देश को भी कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक फैसले आज भारतवर्ष में लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी से संबंधित हो, चाहे वो धारा 370 से संबंधित हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, उन्होंने ऐसे अच्छे अच्छे फैसले आज भारतवर्ष में लिए हैं। और मैं यही आशा करता हूँ, और आप लोगों को भी जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी यही विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द हमारा राम मंदिर बनेगा और हम लोग अगली दिवाली अपने राम मंदिर में मनाएंगे। विकास दास जी, जिस तरह का है कि आपने जैसे ही अदालत का फैसला आ जाएगा तुरंत अयोध्या मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, निर्माण के लिए सामग्री भी चाहिए होगी, तो इसके लिए क्या प्रबंध की है? हमारे पास लगभग सारी सामग्री अयोध्या में इकट्ठी हो चुकी है, बस एक बार फैसला आ जाए फिर आप देखना कि आपको राम मंदिर ऐसे मिलेगा जैसे कोई जादूगर रातों रात कोई महल खड़ा कर देता है। ये थे मेरे साथ महामंडलेश्वर विकास दास जी महाराज, इन्होंने कहा है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मंदिर के हक में आ जाता है तो तुरंत ही मंदिर निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि निर्माण की सामग्री पहले से ही वहाँ इकट्ठी कर रखी है।
इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत समाज से ही हैं। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।